मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों से सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया में ललन सिंह के इस्तीफे को सुनकर नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी भागे भागे जदयू दफ्तर पहुंचे और सभी अटकलों को खारिज कर दिया। विजय चौधरी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को पूरी तरह से गलत बताया। दरअसल बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। कहा जा रहा था कि 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार इसको लेकर निर्णय ले सकते हैं। ललन सिंह के ऊपर लालू के साथ मिलकर जदयू को तोड़ने के आरोप लग रहे थे। इसी बीच बिहार की मीडिया में खबर आई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह के इस्तीफा देने की चर्चा तेज हुई तो नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे और ललन सिंह के इस्तीफे की बात को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। क्या इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसमें कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर चल रही है फिर? खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू जी से सुशील मोदी ललन सिंह की नजदीकी लालू से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नीतीश सवाल है। देखिए सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन दिमाग विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ, तो वही उनका विचार भटक रहा है। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहां सवाल? फिर ये चर्चा कैसे आती है? चर्चा आप लोग पैदा करते हैं। अगर मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। आपके हिसाब से हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, आप चाह कर भी अपनी बात हमसे नहीं बोलवा सकते, समझ गए ना? हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और वही समझिए। अच्छा, आप जो चाहते हैं वो बोलने के लिए हम थोड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बोलने के लिए बैठे हैं। परिस्थितियों में जो नहीं, अभी सभा कैंसिल करने का कहाँ बात है? पार्टी जब सोचती है, और कर्पूरी ये समझ लीजिए कि कर्पूरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही मनाने की शुरुआत की, और उस दिन सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोगों का दल और हमारे नेता ही समर्पित करते हैं। हम लोग उनके गांव जाते हैं पितौजिया में, यहाँ पार्टी के तरफ से कार्यक्रम होता है, और इस बार भी हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होने का ये निर्णय लिया गया है। ये तो और अच्छी बात है, पूरे बिहार में कार्यक्रम मिल गया है। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसे देख रहे हैं? लीजिए, हम लोग तो अभी कैबिनेट से पास करके हम लोग दोनों आदमी आए हैं और सही देख रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, तब ना हम लोग पास। तो उनके लिए कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ शर्त भी है। ये आप लोग कम से कम मीडिया के लोग इत्मीनान रहिए कि हम लोग इसको 100 समय जो भी उचित समय होगा उससे पहले तय। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, दरोगा को गोली मार दी जा रही है, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित हैं। जो घटनाएं घट रही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन
ये भी बात आप देख रहे हैं जो विपक्ष नहीं बोल रहा है कि घटनाएं घटती हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं, कानून के हवाले किए जाते हैं और उनको दंड और सजा मिलती है। ये भी बात कहनी चाहिए। और हम लोग यही कहते हैं, हमारे सुशासन की पहचान यही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधि व्यवस्था का जो उन्होंने इंतजाम किया है या इसका जो सुशासन हम कहते हैं, सुशासन की यही पहचान होती है कि अपराध घटने की या अपराध होने की स्थिति को हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, बक्से नहीं जाते हैं और उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हैं। ऐसी खबर आपको भले आ रही है लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ये इस्तीफे की खबर, ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है? कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। काफी अटकलें जा रही हैं। अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ही रहेंगे तो आगे सर? अब एक आदमी बोलिएगा तब। सच्चाई क्या है सर? जो बातें चल रही है मीडिया में आखिर उन मामलों में सच्चाई क्या है? क्या जो 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें क्या कुछ पार्टी को 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक और आप मेरे में रिकॉर्ड जानते हैं तो हमसे नहीं लेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था, इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो आखिर दो दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है, तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है, ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है, इसी के लिए बैठक निर्धारित है।